लगाए हुए, जैसे हमने प्रचार में भी कहा है स्विचरलेस, स्विचर धागे को कहते हैं, तो उस हिसाब से स्विचरलेस मतलब टांका रहित ऑपरेशन करने में हम लोग सफल हुए। और अभी कल और आज जितने भी मरीजों का यहाँ ऑपरेशन हुआ है वो सभी स्विचरलेस हुआ है, किसी में भी कोई टांका नहीं है और आपको किसी तरह के दर्द की कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये नई चीजें हैं। इसके लिए जो मशीनें हमें चाहिए उसमें ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप जो काफी महंगा होता है, लगभग 5-5.5 लाख रुपए से कम में नहीं आता है, वो अस्पताल के पास उपलब्ध तो है ही, लेकिन बड़ी संख्या में ये ऑपरेशन किया जा सके इसलिए हमने एक और दूसरी मशीन इसी तरह की हमने पटना से किराए पर मंगाई। उसका किराया भी उस कंपनी ने हमें माफ कर दिया, तो एक तरह से समझिए सहयोग के रूप में वो मशीन आई और दो मशीन हमारे पास परसों से काम कर रही है, आज भी है, और उन मशीनों के सहयोग से हम आपका स्विचरलेस ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुए, सफल हुए और आप सकुशल ऑपरेशन करवाकर अपने घर जा रहे हैं। अब एक चीज की और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि लेंस, यह भ्रांति है कि हमें जो लेंस लगा है वो कैसा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यह लेंस लगा है और जिस तरह का कि चिकित्सक और कंपनियां कहती है कि एक लेंस की अवधि लगभग 35 से 40 वर्ष तक काफी है और जितने उम्र के में यह लगाया गया है, हम समझते हैं कि 35-40 वर्ष अगर एक लेंस आपके आंखों का चलेगा तो आपके उम्र भर के लिए एक लेंस काफी है, आपको दोबारा पूरे जीवन में कभी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं लेंस खरीदने के लिए पटना गया हुआ था और मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके लिए दवाएं और लेंस खरीदने का मैंने स्वयं काम किया, ये जिम्मा मैंने खुद लिया और आपके लिए अच्छा से अच्छा लेंस मैं खरीद करके लाया और आपको स्थापित किया गया। यह विश्वास मैं मरीजों को भी दिलाना चाहता हूँ और अपने दाताओं को भी दिलाना चाहता हूँ कि यह संस्था पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने में सफल हुई और आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों में आपको निश्चित रूप से यश मिलेगा। हमारे चिकित्सक भी बड़े कुशलता और हमारे सभी कर्मचारी बड़ी निष्ठा और मनोयोग से इस सेवा में काम देते हैं, साथ देते हैं। मैं सबों को बहुत बहुत सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब एक दो चीज मैं दृष्टिकोण के अतिरिक्त आपको बतलाना चाहता हूँ। इस अस्पताल के परियोजना निदेशक होने के नाते मैं जरूरी समझता हूँ, मैं अपना फर्ज समझता हूँ, इस अस्पताल में रोजाना आंखों की जांच के लिए चिकित्सक बैठते हैं, कोई भी गड़बड़ी हो तो वो आंखों की सेवा करते हैं, ये विभाग चलता है। दूसरा दांतों का डेंटल डिपार्टमेंट चलता है जो कि जयनगर में सिर्फ इसी अस्पताल में मैनुअल फ्रैक्चर यानी कि मोटरसाइकिल से गिरने के बाद यदि जबड़ा टूट गया तो उसको रिपेयर करने की व्यवस्था यहाँ है और कई मरीजों का हमने इस तरह का उपचार किया है कि मैनुअल फ्रैक्चर हम यहाँ ठीक करते हैं। तीसरा जो हमारे मेडिसिन के चिकित्सक हैं डॉक्टर एम एन झा यहाँ बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार खड़े होइए तो आपको सब कोई देख लें, तो ये दरभंगा से आते हैं डॉक्टर एम एन झा, काफी अच्छा काम करते हैं। तो एक मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो इनके कंधों पर इनकी जवाबदेही है। और तीसरा एक वर्ष से हमारे यहाँ काम कर रहा है वो है गायनेकोलॉजी प्रसूति विभाग, प्रसूति विभाग के एमएस डीजीओ भी है और एमएस भी है और इनको कम से कम 25 वर्ष का अनुभव है। ये छत्तीसगढ़ में अपना निजी क्लिनिक चलाती थी और काफी कुशल हैं। 25 वर्षों से एक एमएस अगर काम करे तो आप सोच सकते हैं कि कितने कुशल हैं। इन्होंने डिग्री पीएमसीएच पटना से प्राप्त की थी, वो भी यहाँ बैठी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपसे परिचय हो जाए सभी लोगों को, आप खड़ी हो जाएं तो आपको देख सकेंगे लोग, और यही चिकित्सिका हैं। अगर प्रसूति विभाग की कोई भी जानकारी, अगर वैसे कोई बहुत गरीब मरीज हैं तो निःशुल्क भी हम उनको सहयोग दे सकते हैं,
सीजेरियन डिलीवरी कराने के लिए अगर आपको आवश्यकता हो या और भी कोई इस तरह की आवश्यकता पड़े तो हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप प्रसूति विभाग की भी सेवाएं ले सकते हैं। ये तो चार डिपार्टमेंट हुए और पांचवा मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि हम तत्पर हैं, हमारी समिति ने यह पास किया है, जयनगर में एक पहली बार एक बड़ा ही उन्नत और आधुनिक संयंत्रों के साथ हम जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी। उसमें बड़े ही अच्छे लेजर उपकरण जो काफी महंगे हैं जयनगर में तो स्थापित नहीं है, फिजियोथेरेपी की बहुत जयनगर में आवश्यकता थी। यदि किसी का शरीर में कहीं भी कोई दर्द वगैरह है या कोई हड्डी टूट गई और चिकित्सक ने यह सलाह दी है कि आप फिजियोथेरेपी कराना आपका आवश्यकता है तो जयनगर से बाहर जाकर फिजियोथेरेपी कराना बहुत कष्टदायक होता है और वो एक दिन से नहीं चलता है, उसका काम महीनों जाना पड़ता है। आप सोचिए दरभंगा अगर रोजाना जाएं या एक महीना तक दरभंगा में रुकें तो काफी खर्चीला और कष्टकारी होता है। मैं सबों से यह आग्रह करता हूं, विश्वास दिलाता हूं यह समस्या जीवन भी दूर करने जा रहा है और जनवरी में किसी भी समय हम फिजियोथेरेपी की सुविधा यहां शुरू कर देंगे। उसके लिए चिकित्सक हमने बहाल कर लिया है जो पीजी रैंक के हैं, जिन्होंने पीजी किया है फिजियोथेरेपी में और काफी कुशल हैं। अभी पटना के एक फिजियोथेरेपी कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं, वहाँ की नौकरी छोड़कर यहाँ अपनी सेवा के लिए वो आएंगे और शीघ्र आपको फिजियोथेरेपी की सुविधा देंगे। इन्हीं जानकारियों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं विदय लेता हूँ। थोड़ा सा मेरा वक्तव्य लंबा हो गया, अगर आप बोर हुए हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबों को बहुत अहम जानकारियां आपके द्वारा मिली और अब मैं अपने दाताओं में से श्री रोहित सराफ जी से आग्रह करूंगा कि वो दृष्टि पर्व के बारे में अपना अनुभव यहाँ हमारे साथ शेयर करें, कैसा लगा। श्री रोहित सराफ जी आए और दो शब्द इस दृष्टि पर्व के बारे में यहाँ आपको अवगत कराएं। वो अपने बच्चे में व्यस्त हैं, नहीं आ पा रहे हैं, खैर वो बच्चा उनको छोड़ नहीं रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा इस दृष्टि पर्व के समापन समारोह को संबोधित करें हमारे विशिष्ट अतिथि इलेक्शन ऑफिसर श्री कुमुद रंजन जी, वो अपना संबोधन यहाँ करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री कुमुद रंजन जी, निर्वाची पदाधिकारी जयनगर हनुमान। परम आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे और इस संस्था के अध्यक्ष श्री अरुण जैन जी और यहाँ उपस्थित दातागण, यहाँ के सारे डॉक्टर और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ आप सभी मरीज बंधु, आज हम लोग जिस संस्था में हैं, जो खासतौर से हम लोग स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो मेरा एक अलग मानना है, हम भगवान के बाद अगर भगवान को मानते हैं या किसी भी धर्म में हम किस अगर ऊपर वाले को मानते हैं तो उसके बाद अगर किसी चीज को हम मानते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे हमें जिंदगी मिलती है। एक भगवान हमको जिंदगी देते हैं, उसके बाद हमें हॉस्पिटल में जिंदगी मिलती है। मंदिर, मस्जिद और जो भी गुरुद्वारा या ये जो संस्थाएं हैं वहां हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी कितनी दुआएं कबूल होती है ये हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे हमें जिंदगी दी जाती है। जिंदगी हम लोग यहीं से जिंदगी लेते हैं, तो ये हम इसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं धरती पर, इससे महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। और ट्रस्ट के बारे में जहां तक है कि ट्रस्ट माना जाता है कि जो काम आपको बाहर में 5 लाख में होगा वो हजारों में यहाँ हो सकता है। ट्रस्ट का यही मोटिव यही होता है कि जो भी चीज अगर आप बाहर में कहीं इलाज कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो
वहाँ आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, और वो काम ट्रस्ट के माध्यम से, चूंकि ये डोनर के माध्यम से चलता है, इसको लोग डोनेट करते हैं, उसके माध्यम से चलता है, तो आपको वो हजारों में वो सुविधा मिल जाती है जहाँ आपको लाखों खर्च करना होता है। तो यही सब स्थिति रहती है कि एक ट्रस्ट जो है पूरी तरह से सेवा भाव से कार्य करता है। और हम तो यहाँ के, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी हॉस्पिटल आप लोगों के शहर में है। जब मैं आया तो देखा कि एक छोटा शहर होते हुए भी एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट हॉस्पिटल है। आते जाते हम लोग देखते भी है कि इसकी इतनी साफ सफाई रहती है, सब कुछ रहता है। तो हम इनके जो भी संचालक मंडल है, हम उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इसके डोनर हैं, जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, और आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इतनी बड़ी कैंप में आप लोगों को एक साथ 200 मरीज आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये की कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग कहीं ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह की चीजें होती है। तो हम अपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपने पुराने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे फ्री किया। उनकी वजह से आज मैं जो कर पा रहा हूँ, वो राघवेंद्र सर थे, आप लोग जानते हैं, सभी लोग उनका नाम जानते हैं, जो पीछे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय थे, उनको मैं पूरी तरह से क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो मुझे इस काम के लिए फ्री किए और मुझे प्रोत्साहित किए। साथ ही साथ मैं नए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये भी हम लोगों के साथ उसी तालमेल से मुझे पूरी तरह से प्रोत्साहित ही नहीं करते हैं, साथ में आके। कल की घटना आप लोगों को पता भी होगा कि सर खुद हम लोगों के साथ थे और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। तो इनका मैं आभारी हूँ कि सर इस चीज में मुझे प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं और आके उसमें उसको लीड भी कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं इस ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह के कार्य में, क्योंकि मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि भगवान के बाद, ऊपर वाले के बाद, ऊपर वाले के माध्यम से मेरे माँ बाप या आपके, हम लोगों के माँ बाप हमें जन्म देते हैं, लेकिन हमें जो जीवन देता है किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, वो होता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को हम लोग कहीं भी, किसी भी हॉस्पिटल में जाए उसको साफ सुथरा रखें, उसको अपना घर समझे, कहीं मंदिर मस्जिद या किसी भी गुरुद्वारे या इससे ये कम पवित्र जगह नहीं है, इसको एकदम से साफ रखें और इसका लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्वाचित पदाधिकारी महोदय का। ये थी इनकी भावनाएं हमारे प्रति, हमारे कार्य के प्रति, और निश्चित रूप से हमारी संस्था प्रेरित होगी भविष्य में भी ऐसे और आयोजन करने के लिए। मैं एक बार फिर से उनके सम्मान में आप लोगों से चाहूंगा कि उनका अभिवादन करें थालियों के साथ। और अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, जयनगर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय श्री शंख शरण ओमी जी, वो संबोधन करें आज के इस दृष्टि पर्व समापन समारोह का। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जीवित अस्पताल के प्रांगण में आज नेत्र पर्व के समापन समारोह में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब भी हैं, व्यवस्थापक दादा महोदय, प्रेस मीडिया की उपस्थित हो एवं इस हॉस्पिटल से लाभान्वित मरीज पेशेंट को यहाँ से सफल अपना ऑपरेशन करवाए। मैं इस संस्था के जो भी हैं संस्थापक, संचालक, व्यवस्थापक सभी का बहुत ही शुक्रगुजार और बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से शहर में एक इतनी अच्छी कल्पना की और एक अच्छा हॉस्पिटल ट्रस्ट का निर्माण किया, जो कहीं भी किसी भी स्तर से किसी अच्छे जिले में जो होते हैं, सारी इक्विपमेंट हमने देखी है जो यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो इस जयनगर के लिए ये संस्था बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इसका लाभ आम लोगों को मिल सकता है। हम उनको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि 300 3000
3000 मरीजों का उनके द्वारा अब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया है, वो भी सफलतापूर्वक, किसी प्रकार का किसी मतलब कंप्लेन और टाइट रही, इसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। और हम कामना करते हैं कि इसी तरह ऑपरेशन मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन ही और भी दूसरे क्षेत्रों में भी कैंप लगा करके विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए वो कैंप लगावें, ये मेरी आशा है और उम्मीद भी है व्यवस्थापक महोदय से जो कि इस संस्था के हैं। मैं यहाँ के प्रिंट मीडिया के भी लोग बहुत उपस्थित हैं यहाँ अच्छी संख्या में, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस संस्था के जो भी अच्छे पहलू हैं उसको अपने जो भी है उनका पेपर है, प्रिंट मीडिया है या मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस संस्था के बारे में, इस संस्था के द्वारा जो किया जा रहा कार्य है उसको अधिक से अधिक लोगों के संज्ञान में जानकारी हो, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। मैं यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास करके जो PMCS से और छत्तीसगढ़ से प्रैक्टिस करते फिर यहाँ एक छोटे से शहर में अपनी सेवा दे रहे हैं, कि बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है कि एक छोटे से शहर में रह करके वो सेवा दे रही हैं। तो उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना और उम्मीद भी करते हैं कि वो भविष्य में भी अपनी सेवा देते रहेंगे। कुछ चिकित्सक आपके दरभंगा से आकर के यहाँ दे रहे हैं सेवा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ के व्यवस्थापक से चाहेंगे कि और भी डॉक्टर का विशेषज्ञ जो भी हैं स्पेशलिस्ट उसका इंतजाम करवावें, और भी जो भी है हम लोग उनके साथ, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से भी उनका उनको हमारा सहयोग चाहिए, हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनको हर तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। बस वो ईमानदार